10 जून को बनने जा रहा है दुर्लभ संयोग। अमावस्या पर शनिदेव करेंगे खास कृपा। इन उपायों से मेहरबान होंगे न्याय के देवता। शनिदेव को प्रसन्न करने का है विशेष मौका। पुण्य टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। इस बार 10 जून को ज्येष्ठ अमावस्या का दिन जो है वो बहुत ही अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, जिसे आप विलक्षण संयोग भी कह सकते हैं, दुर्लभ संयोग भी कह सकते हैं। और ऐसा संयोग अमूमन सदियों बाद बनता है। इस बार 10 जून को शनि जयंती पर वट सावित्री व्रत भी है, अमावस्या भी है, जिसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, जो इस साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। ये चारों ही संयोग जो है वो ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैं पुण्य टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 10 जून को जो शनि जयंती है वो रोहिणी नक्षत्र में मनाई जाएगी। आकाशमंडल में 27 नक्षत्रों में से रोहिणी नक्षत्र जो है इसका चौथा स्थान है। रोहिणी नक्षत्र का राशि स्वामी शुक्र है और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। ज्योतिष में रोहिणी नक्षत्र को बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। यानी शनि जयंती जो है वो बहुत ही शुभ नक्षत्र में 10 जून को पड़ रही है। अगर हम ग्रह गोचर के हिसाब से बात करें तो उस दिन मंगल कर्क राशि में, राहु बुध सूर्य व चंद्रमा वृषभ राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में, शनि मकर राशि में व केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे होंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि शनि वक्री अवस्था में होंगे। मैं पुण्य टीवी के दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि अमावस्या तिथि जो है वो 9 जून को दोपहर 1:57 से प्रारंभ होकर 10 जून को शाम 4:21 पर समाप्त होगी। इस दिन दान पुण्य व पूजा पाठ का विशेष महत्व रहेगा। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ और सबसे पवित्र दिन भी है। मैं पुण्य टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि भगवान सूर्य व माता छाया के पुत्र शनिदेव का जन्म जो था वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हुआ था और इसीलिए इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। हमारे शास्त्रों और ज्योतिष के मुताबिक शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, कर्म के कारक हैं। नवग्रहों में इन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिन लोगों के ऊपर हमेशा कष्ट, गरीबी, बीमारी और धन संबंधी परेशानी रहती है, उन्हें शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। और इस पूजा के लिए प्रत्येक शनिवार, शनि अमावस्या और शनि जयंती का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को शास्त्रों के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि शनिदेव के भक्ति भाव और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि तुम नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होंगे, तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश और दंडाधिकारी रहोगे, तुम ही लोगों को उनके कर्मों के मुताबिक फल दिया करोगे, शुभ फल दिया करोगे, दंड दिया करोगे। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें शनि राजा बना देता है और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें शनि राजा से रंक भी बना देता है। शनि देव की पूजा करने से, उनके निमित्त उपाय करने से शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो, शनि से संबंधित परेशानियां चल रही हो, सारस्वती चल रही हो, ढैया चल रही हो, काल सर्प योग से भी छुटकारा पाना हो तो शनि देव की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता भी है कि शनि जयंती के दिन किया गया दान पुण्य और पूजा पाठ जो है वो शनि संबंधी सभी कष्टों को दूर करने में भी सहायक होता है। मैं पुण्य टीवी के दर्शकों को बता दूं कि शनि ग्रह वायु तत्व और पश्चिमी दिशा के स्वामी हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि शनि जयंती पर उनकी पूजा, आराधना और अनुसंधान करने से शनिदेव विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। अब मैं पुण्य टीवी के दर्शकों को शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा विधि के बारे में बताना चाहूँगा कि इस दिन शनिदेव की विधि विधान पूजा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। शनि जयंती के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म और स्नान आदि करने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। घर में पूजा स्थल पर
शनिदेव की मूर्ति स्थापित कर उस पर तेल फूल माला आदि चढ़ाएं। यदि प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो लकड़ी के एक टुकड़े में साफ काले रंग का कपड़ा बिछाएं, फिर एक सुपारी के दोनों ओर शुद्ध घी व तेल के दीपक जलाएं, इसके पश्चात धूप जलाएं, फिर इस स्वरूप को पंचगव्य पंचामृत इतर आदि से स्नान करवाएं। सिंदूर कुमकुम काजल अबीर गुलाल शनिदेव को अर्पित करें, तेल से बने पदार्थ अर्पित करें। शनिदेव को काला उड़द और तिल का तेल चढ़ाना बहुत शुभ होता है। इसके बाद तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। अब आरती करने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, उसके बाद प्रसाद का वितरण करें। इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को सुंदर भोजन करवाएं तथा सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। जिन जातकों को जिन लोगों की कुंडलियों में जिन लोगों की राशि पर शनि की साढ़े सती या शनि की ढैया चल रही है, उन्हें शनि की कृपा एवं शांति प्राप्ति के लिए तिल उड़द काली मिर्च मूंगफली का तेल अचार लौंग तेजपत्ता तथा काले नमक का उपयोग करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनि के लिए दान में दी जाने वाली वस्तुओं में काले कपड़े जामुन काली उड़द काले जूते तिल लोहा तेल आदि वस्तुओं को शनि के निमित्त दान में दे सकते हैं। शनि के जयंती के दिन शनि मंत्र ओम शम शनिचराय नमः के जप से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यह जाप कम से कम 11 माला का होना चाहिए। जाप शुरू करने से पहले तेल का दीपक अवश्य जलाएं तथा मुख जो है वो दक्षिण दिशा में करें। इस बार शनि जयंती का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। जिन राशियों पर शनि की सरस्वती चल रही है शनि की ढैया चल रही है उन राशि वालों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। इस समय धनु राशि मकर राशि और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े सती चल रही है, मिथुन राशि और तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है। इसके लिए इन राशियों पर थोड़ी दौड़ धूप रहेगी, कामकाज में भी थोड़ी रुकावट आ सकती है या कर्ज बढ़ सकता है, मन में नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक विचार आएंगे, पारिवारिक मोर्चे पर भी थोड़ा सा आप असहज महसूस करेंगे। इन राशि वालों को झूठ से छल कपट से दूर रहते हुए शनि की विशेष पूजा करनी चाहिए। और अगर इन राशियों के लोग शनि के जयंती के दिन विशेष पूजा करेंगे तो शनिदेव की अनुकंपा भी प्राप्त होगी। मैं बाकी राशियों की बात करता हूँ। मेष राशि वालों के लिए शनि कर्म भाव में है, निश्चित रूप से नए कार्य का अनुभव होगा। जो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि धार्मिक भाव में है जिससे यश और कीर्ति दोनों में वृद्धि का योग बनेगा। कर्क राशि वालों के लिए शनि सप्तम भाव में है इसलिए पारिवारिक विवाद की संभावना भी बन रही है, कार्यक्षेत्र में भी थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। जो सिंह राशि वाले हैं वो कोई नया काम शुरू कर सकते हैं लेकिन शत्रु पक्ष उन्हें थोड़ा परेशान कर सकता है, थोड़ा सजग भी रहना होगा। कन्या राशि वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और फल जो है वो रुक रुक करके मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि पराक्रम भाव में है, नया काम शुरू किया जा सकता है लेकिन शत्रुओं से थोड़ा सजग रहना होगा। मीन राशि वालों के लिए शनि धन भाव में है, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से बता दूं कि 10 जून को शनि जयंती है, बहुत ही शुभ योग में है, बहुत ही शुभ संयोग में है। मैं गुरमीत बेदी।